तो ये सब रिसर्च में आ गया, तो उसके प्रयोग का भी आपने क्या किया, अध्ययन किया, उसको वर्गीकृत किया कि पौधा होता है, उसमें तना होता है, जड़ होते हैं, उसके अंदर पुष्प होते हैं, तो वो सब वर्गीकरण हो गया। उसे क्या नाम दिया आपने, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोल देते हैं, विज्ञान, एक परिभाषा के रूप में बताया गया। अब अपन विज्ञान की परिभाषा के बाद में अब अपन जनरली बात करेंगे एक टॉपिक की, साइंस का आपके नाइन्थ का एक चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, जिसमें बताया गया है पदार्थ की संरचना तथा अणु। दूसरे चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना तथा अणु। अब पदार्थ की संरचना तथा अणु, तो अब अपन देखेंगे कि पदार्थ की संरचना मतलब क्या और अणु का अर्थ क्या है यहाँ। तो पदार्थ की संरचना, पदार्थ कोई भी अपन चारों देखते हैं बेटा कि अपने एनवायरनमेंट में पूरा जो भी काम अपन देखते हैं, कोई भी चीज को अपन देखे, प्लास्टिक का डब्बा है, अपन कोई भी लकड़ी का है, जिनको भी देखा है, तो उनका कोई ना कोई भार होता है, उनका द्रव्यमान होता है, वो स्थान कहते हैं, तो अपन उन्हें महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ हो गया, फिर पदार्थ की संरचना यानी इस पदार्थ को निर्मित कैसे किया गया, यानी इनको बनाया कैसे जाता है। उसके बाद में आता है अणु, तो अणु क्या है, तो अणु वही एक छोटे छोटे कोई भी कण है जो आपस में जुड़ते हैं और एक नए फॉर्मेशन के रूप में अपने सामने आता है, तो अपन उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो अपन आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या होता है अपन कैसे समझते हैं, अपन जैसे भी बात करके आएंगे, किसी भी चीज अपन अनुभव कर सकते हैं, जो स्थान घेरती है, सब कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। सिंपली डेफिनेशन में भी यही कहते हैं कि कोई भी वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो, जिसका जो कोई स्थान घेरती हो, उसका आयतन हो, वो क्या कहलाता है, वो वस्तु की क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका कोई द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ये वो भी आपकी एक एक्यूरेंसी जिसे कहते हैं, वो लेकर एक परिभाषा आपने परफेक्ट परिभाषा दे दी, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कोई द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाते हैं, या यूं कहें कि जिन्हें अपन महसूस कर सकते हैं। अब पदार्थ को जब अपन बात करें, तो पदार्थ को भी बेटा क्या वर्गीकृत किया गया कि ये कितने भागों में डिवाइड है। तो इसके वर्गीकरण को जब देखते हैं, तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो पदार्थ होता है शुद्ध और एक पदार्थ होता है आपका अशुद्ध। इसे अपन दो प्रकार, यानी कि पदार्थ कितने प्रकार बोले जाते हैं बेटा, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, शुद्ध तथा अशुद्ध पदार्थ, दो प्रकार के बताए जाते हैं, दो अवस्थाएं, दो भाग, पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या है आपका, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, पदार्थ। अब अपन शुद्ध पदार्थ के समझेंगे, शुद्ध पदार्थ वह होते हैं जिनमें जो घटक होते हैं उस पदार्थ के, वो घटक समान होते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक घटक जो समान अवस्था में हो, तो इस प्रकार
द्वारा निर्मित पदार्थ क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ, यानी दो या दो से अधिक घटक पर समान अवस्था में होने चाहिए, तो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें कि शुद्ध अवस्था जब भी आप देखेंगे तो कोई भी अपन केवल गैस जैसे कि H2 है, O2 है, आपकी क्या है ये शुद्ध है। अब आपने देखा जल H2O, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अवस्था क्या होनी चाहिए? समान, यानी H2 में कैसे फॉर्मेशन है? H2 प्लस O2 दोनों क्या है? गैसेस, और किसका निर्माण होता है? H2O का निर्माण। तो ये क्या है? शुद्ध पदार्थ है, यानी इसके घटक क्या है? समान है। वही दूसरी तरफ चले तो अशुद्ध पदार्थ की बात, ये सिमिलर परिभाषा, बस चेंज करेंगे अवस्थाएं क्या हो, भिन्न भिन्न, यानी भिन्न भिन्न अवस्था वाले घटक जब आपस में जुड़ते हैं तो वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक घटक जब असमान अवस्था में हो तो उस समय उन्हें क्या कहते हैं? अपन क्या कहलाते हैं? वो अशुद्ध कहलाते हैं। जैसे अपन कोई भी मिश्रण की बात करें, कोई भी मिश्रण लाइक मिट्टी की बात करें, तो मिट्टी में कुछ कण बहुत ज्यादा ठोस अवस्था में मिलेंगे, कुछ कण अलग अलग भाग में अलग अलग अनुपात में मिलेंगे, तो ये सब क्या हो जाते हैं? आपके अशुद्ध घटक आए। इन्हें अपन शीतल जल, ठंडा जल, अब जल तो है पर शुद्ध है, लेकिन शीतल यानी ठंडा जल उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ ऐसे पार्टिकल्स यानी गैसेस पे आती है उसके अंदर, तभी वो क्या होता है? ठंडा होता है। इसलिए अपन इन्हें क्या कहते हैं? अशुद्ध कहा जाता है। जैसे वायु है, वायु वायु क्या है? अशुद्ध तो है क्योंकि बहुत सारी गैसेस है और अलग अलग कॉन्सेप्ट में इसकी तो मिली हुई रहती है, मात्राएं अलग अलग होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपन अशुद्ध पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो आज अपने ने पदार्थ क्या होता है वो पढ़ा, पदार्थ का प्रकार पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार के बाद में कल पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, कि पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है, ये आप सबको अगले वीडियो में देखना है। और आज जो आपने पढ़ा है वो आप सब ध्यान से उसके नोट्स भी बनाएंगे, नोट्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं।